आज हम मिसाल दे रहे हैं सीरिया की, क्या सीरिया का कानून कोई कानून है? आज हम मिसाल दे रहे हैं अफगानिस्तान की, क्या अफगानिस्तान का कानून कोई कानून है? हम जॉर्डन की बादशाहत की मिसाल दे रहे हैं। मेरा जी चाह रहा है कि मैं शतरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपा लूं। कम से कम ऐसी मिसालें माननीय मंत्री जी मत दिया की। माननीय उपसभापति जी, मैं इस बिल के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अपनी बात शुरू करने से शुरुआत में अपनी बात के मैं माननीय मंत्री जी के जो प्रस्तावना में उन्होंने भाषण दिया उसे मैं उद्धृत करना चाहूंगा। कहा गया कि ये बिल महिला सशक्तिकरण के लिए है, ये बिल लैंगिक समानता के लिए है, नारी न्याय और नारी सम्मान इस बिल के अंदर निहित है। उपसभापति जी, उनका दायरा सीमित है बिल का भी कि वो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं दायरे को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं। इस देश के अंदर कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो पतियों के द्वारा एबंडन कर दी गई हैं, उनका परित्याग कर दिया गया है। कृपया, कई नामी गिरामी लोग भी उसके अंदर शामिल हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे पति जिन्होंने अपनी महिलाओं को त्याग दिया है और उनकी महिलाएं अभी भी धारा 125 सीआरपीसी के तहत उनसे हर्जा खर्चा पाने की हकदार हैं क्योंकि वो वाइफ का स्टेटस कंटिन्यू करती हैं, ऐसे पतियों को दंड देने के लिए और ऐसे पतियों को 125 सीआरपीसी के तहत उनसे हर्जा खर्चा दिलवाने के लिए क्या सरकार कोई कानून लाने पर विचार कर रही है? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, आज तो मुख्तार साहब बोले हैं, उससे पहले हमारे यहां बहस नहीं हुई। लोकसभा में बहस हुई थी, पहली वाली बहस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हमारे साथी उस बहस में चौके छक्के लगा रहे थे, कुछ दिनों के बाद पता चला कि और सरकार ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया चार मंत्रियों का, जिनमें तीन मंत्री आज भी मंत्रिमंडल में हैं, एक मंत्री बाहर है। 25 अक्टूबर को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना या 24 अक्टूबर को? ये नहीं कर रहे हो, अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर है तो उठाइए। मैंने नाम नहीं लिया किसी का, मैं आपके नाम की बात भी नहीं बोल रहा हूं, और केवल नाम लेने से कुछ नहीं होता। मेरा ये कहना है, अगर किसी भी सांसद के या किसी भी मंत्री, दोनों वक्ताओं ने बोला है, आरोप अगर सिद्ध हो गया है तो बोल सकते हैं। मेरा ये नहीं कहना है, सदन में अगर मर्यादाएं तार तार करनी शुरू होंगी तो ये हद कहीं तक जाएगी। और वैसे भी मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो बोला गया है रूल 238 सब रूल 2 मेक ए पर्सनल चार्ज अगेंस्ट ए मेंबर, सर रूल, मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, मैं चेयर को कह रहा हूँ, अगर इस प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक बात आती है तो चेयर को पावर है उसको एक्सपेंस। मैंने ऑलरेडी कहा है कि सारी चीजें एग्जामिन की जाएंगी, आज पर रूल्स काम होगा। प्लीज मेरा टाइम जरा रीसेट कर दीजिएगा सर, प्लीज। तो उस वक्त सरकार ने एक बनाया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिसमें चार मंत्री थे, तीन मंत्री आज भी मंत्रिमंडल में है, 24 अक्टूबर 2018 को वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना था, महिला सशक्तिकरण के लिए बना था। महिलाओं के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो उनका सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ, उसकी जांच करने के लिए बना था। सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जब वो जवाब दें तो ये बताएं कि आज उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का स्टेटस क्या है, और तीन महीने के अंदर उसको रिपोर्ट देनी थी, जो दिसंबर में 3 महीने पूरे होते थे, वो रिपोर्ट आई है? आई है तो कहां है? मुझे आज बड़ी शर्म आ रही है सर। शर्म किस लिए आ रही है? जब मैं राजनीति में आया था
तो मैंने सुना था और पढ़ा भी था कि हमारे संविधान को बनाने वालों ने देश विदेश की जो जनतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उनका अध्ययन करके हमारे देश के संविधान को रचा। मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि कानून बनाने में भी हम लोकतांत्रिक देशों के अंदर जिस तरीके से कानून चलते हैं या बनते हैं, उनका अध्ययन करके कानून बनाएंगे। लेकिन आज हम मिसाल दे रहे हैं सीरिया की, क्या सीरिया का कानून कोई कानून है? आज हम मिसाल दे रहे हैं अफगानिस्तान की, क्या अफगानिस्तान का कानून कोई कानून है? हम जॉर्डन की बादशाहत की मिसाल दे रहे हैं। मेरा जी चाह रहा है कि मैं शतरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपा लूं। कम से कम ऐसी मिसालें माननीय मंत्री जी मत दिया की। कृपया सीट पर बैठकर न बोले, बहस चल रही है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, उन्हें बोलने दें प्लीज। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 325 या 324 अपनी सीट पर जाए तो 345 तलाक हो गई। 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब से 574 और 2017 से 574, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 345 और ऑर्डिनेंस आने के बाद 101 तलाकें हो गई। सर इसी सत्र में 11 जुलाई को मैंने माननीय मंत्री जी से, यही मंत्री जी हैं, कोई बदले नहीं है, फेरबदल होगा भी नहीं, मैंने यह सवाल पूछा था, विवाह विच्छेद की स्थिति पता लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? क्या गत 3 वर्षों में विभिन्न धार्मिक समुदायों में विवाह विच्छेद संबंधी ऐसे मामलों की धर्मवार संख्या और उनकी प्रतिशतता कितनी है? माननीय मंत्री का जवाब है, सरकार देश में विवाह विच्छेद के मामलों की संख्या के संबंधित कोई आंकड़े नहीं रखती है। 11 जुलाई 2019। दूसरे सवाल के जवाब में कहा प्रश्न ही नहीं उठता, प्रतिशत कुछ पता नहीं है। आज मंत्री जी आंकड़ा दे रहे हैं, महीना पूरा नहीं हुआ है मेरे सवाल को, ये दोहरी बात क्यों हो रही है? ये एक सरकार से, एक स्रोत से, एक मंत्रालय से, ये दो जुबानें क्यों आ रही हैं? मुझे पता है कि जब दो जुबानों वाला कोई जीव होता है तो वो कितना मासूम होता है ये भी हम सब जानते हैं। माननीय उपसभापति जी, कानून को भय कायम करने के लिए किया जाएगा। मैंने थोड़ा सा कानून, जब से ये बिल पे चर्चा चली तो पढ़ना शुरू किया। वैसे तो मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं और राजनीति का कार्य करता हूं। एक किताब लिखी, स्टडी की थॉर्सन सेलिन ने, मैं समझता हूं कि थॉर्सन सेलिन जो न्याय के क्षेत्र में, न्याय शास्त्र के क्षेत्र में जो लोग जानकारी रखते हैं उनको पता होगा कि उनकी बड़ी मान्यता है कानून के क्षेत्र में। उन्होंने लिखा कि दंड, उनकी स्टडी का जो निष्कर्ष है वो ये है कि दंड और अपराध के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि जिन देशों में कैपिटल पनिशमेंट है वहां फिर भी हत्याएं हो रही हैं, और जिन देशों में कैपिटल पनिशमेंट नहीं है वहां हत्याओं का ग्राफ जो है वो गिर रहा है। फिर एक मैंने और समाजशास्त्री को और कानूनविद को, उनकी भी बहुत मान्यता है, उनको पढ़ा कि हम कौन से काम को, कौन से कृत्य को अपराध की श्रेणी में रख सकते हैं, कौन से कृत्य को। तो J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, ब्रिटिश दार्शनिक हैं, उन्होंने कहा ऐसी कार्रवाई जिससे पब्लिक डिसऑर्डर होने के चांसेस हों या खराब होता हो पब्लिक ऑर्डर, उसी को हम अपराध की संख्या में रख सकते हैं, अपराध की श्रेणी में रख सकते हैं। अब साहब तलाक देने से कौन सा पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है? कई बार ऐसी शादियां होती हैं, मुख्तार भाई चले गए वरना मैं उनका हवाला देता उनके सामने, कई बार ऐसी शादियां होती हैं हम देखते हैं आए दिन कि जिनसे पब्लिक डिसऑर्डर होता है, यानी प्रेम विवाह होते हैं, इंटर रिलीजन मैरिजेज होती हैं, इंटर कास्ट मैरिजेज होती हैं, गांवों में कस्बों में दंगे होने की नौबत आती है, क्या मंत्री जी
अगर इसको अपराध की श्रेणी में रख रहे हैं तो क्या प्रेम विवाह को, जिससे सीधे सीधे डिसऑर्डर होने की संभावना कई जगहों पर उत्पन्न हो जाती है, क्या उसे भी अपराध की श्रेणी में रख करके जे एस मिल साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? मोंटेस्क्यू साहब ने जो फ्रांसीसी कानूनविद हैं, पढ़ के आया हूं, मुझे याद नहीं है, भूपेंद्र जी पहले से मुस्कुराइएगा, मैंने आप थोड़ा जी प्लीज, उन्होंने कहा कि विदाउट एब्सोल्यूट नेसेसिटी, जब तक परम आवश्यकता ना हो, किसी कृत्य को अपराध की श्रेणी में अगर रखा जाएगा तो वो उत्पीड़न होगा। वो ट्रेनी शब्द का इस्तेमाल किया, ट्रिनी या ट्रेनी, अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन मुझे ठीक से नहीं पता है, निरंकुशता उत्पीड़न मैंने जब डिक्शनरी में देखा तो इसके ये मायने थे। टाइरनी। अब बताइए साहब, तलाक क्या इतना इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर क्रिएट करने वाला कृत्य है? जो इसका कानूनी पक्ष था वो हमारी बहन कांग्रेस की नेता, कांग्रेस की वक्ता ने, याग्निक जी ने बता दिया, और जो महिलाओं के सशक्तिकरण में दूसरे लोग कर रहे हैं। और एक बार मैं मंत्री जी का बयान सुनना था, इन्होंने कहा ये पाप है, तो हमारे जो राष्ट्रपिता हुए हैं महात्मा गांधी साहब, जिन्हें कुछ लोग चतुर्बनिया भी कहते हैं, उन्होंने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से मत करो। अगर ये पाप भी है तो ये पापियों को क्यों सजा दे रहे हैं? मुसलमानों में शादी है क्या? कई जगह जिक्र हो रहा है कि ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ये जबरदस्ती नहीं हो सकती, ये कुछ दान देकर के, कन्यादान देकर के नहीं हो सकती, ये किसी को मदहोश करके उससे लैंगिक संबंध, यौन संबंध स्थापित करने के बाद नहीं हो सकती, ये जबरन नहीं की जा सकती, असुर विवाह की तरह, राक्षस विवाह की तरह, यह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। और सिविल कॉन्ट्रैक्ट की यह विशेषता होती है कि उसमें शामिल पक्ष यदि उस कॉन्ट्रैक्ट से सहमत नहीं है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा सकता है, इतना कानून मेरी समझ में आया है। तो इस सिविल कॉन्ट्रैक्ट को कानून के अंदर यह व्यवस्था है, तो इसे अपराधीकरण करना इसका कोई बहुत नेक नियति का काम नहीं है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कानून का जो दस्तावेज या ये जो बिल आया है, मुझे कानून के दायरे में कम लगा और राजनीति और कोई स्कोर बनाने के दायरे में ज्यादा लगा। जो लास्ट बात माननीय मंत्री जी ने कहा कि वोट बैंक को साधने के लिए इसकी मुखालफत की जा रही है, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा खास तौर से कि जब वो अपना रिप्लाई करें तो उस वोट बैंक के कंपोजिशन को भी जरा धन्यवाद बताएं। धन्यवाद श्री ए नवनीत कृष्णन जी।